वेलकम बच्चों, क्लास 7 के साइंस में आज हम चैप्टर नंबर 8 में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है साइक्लोन्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने थंडर स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बनते हैं, ठीक है। साइक्लोन्स जैसा कि नाम है, इसका नाम सुनते ही सबको डर लग जाती है, ठीक है। और वाकई में ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होते भी हैं। आपकी बुक में जितना साइक्लोन्स के बारे में दिया है वो बहुत कम दिया है। इसका मतलब ये है कि क्लास 7th के बच्चों को साइक्लोन्स के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताया गया, बट हाँ, हर एक टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। साइक्लोन में क्या क्या होता है या कैसे बनता है, इसको शॉर्टकट में आपके एनसीईआरटी की बुक में बताया गया है, ठीक है। तो डिटेल वर्जन इसका आपको जो है ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे तो आपको साइक्लोन्स के बारे में पूरा अच्छे से बताया जाएगा। फिलहाल जितना आपकी बुक में एनसीईआरटी में है उस हिसाब से मैं उतना ही आपको बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप पे कोई ज़्यादा प्रेशर ना आए। तो जैसा कि आप अपनी बुक में इस फिगर नंबर 8.11 में देख रहे हैं, यहाँ पर एक साइक्लोन के फॉर्मेशन का जो है पिक्चर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, एक साइक्लोन है ये, ठीक है। और ये जो है बीचों बीच ये एक शांत एरिया होता है, ठीक है। ये एरिया क्या होता है, एकदम शांत होता है। ना इसमें बादल होते हैं, ना इसमें बारिश होती है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं होता है, बहुत शांत एरिया होता है। इसे सेंटर कहते हैं, बीचों बीच इसे सेंटर कहते हैं। और ये जो है सेंटर, इसे नाम दिया गया है आई, ठीक है। अब इसी की आई के चारों ओर जो है, ठीक है, एक सेंटर है, साइक्लोन का एक सेंटर होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं आई। और ये आई जो है देखिए ऐसी दिखती है, ये देख रहे हैं, ये जो बीच में खाली जगह, ये आई है, ठीक है। अब ये आई सेंटर है, एकदम शांत एरिया है, कोई ज़्यादा तेज हवाएं नहीं, कोई बादल नहीं, कोई बारिश नहीं, लेकिन इसी शांत एरिया के चारों ओर पूरा बवंडर घूमता रहता है और यही बवंडर बनाता है साइक्लोन, ठीक है। और ये चारों ओर घूमने वाला जो बवंडर है, बेसिकली साइक्लोन क्या है, ये बहुत ज़्यादा तेज चलने वाली हवाओं का झुंड है, ठीक है, जिसमें बादल भी आते हैं, बारिश होती है, लाइटनिंग होती है, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, ये सब इसी बाहर आई के बाहर के पूरे एरिया में होता है, ठीक है। और ये एरिया बहुत दूर तक फैला रहता है, ठीक है। तो हम इसी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साइक्लोन्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं। जो भी ओशियंस होते हैं ना, ठीक है, जो स्टिल है, शांत थोड़े से है, और उनके जो सरफेस का तापमान है वो 26.5 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो जाता है, मतलब जो ओशियंस के सरफेस पे जो पानी है अगर वो गर्म हो रहा है, मतलब सन की रेज पड़ेंगे तो ऑफकोर्स गर्म होगा। अब गर्म होते होते, पानी जब गर्म होते होते, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका टेम्परेचर जो है उस ओशियन के वाटर का जो है उसके सरफेस पे 26.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा। जब ऐसा होगा तो अब क्या होगा कि अभी ओशियन का पूरा पानी का सरफेस गर्म हो चुका है, अब जो भी हवाएं इस ओशियन के सरफेस को छू करके बहेंगी वो क्या हो जाएंगी, वो भी गर्म हो जाएंगी। जब वो गर्म हो जाएंगी तो क्या होगा, गर्म हवाएं हमेशा ऊपर को उठती हैं, तो क्या करेंगी, ऊपर को उठेंगी, ठीक है। तो हवाएं यहाँ से बह के आ रही हैं और जैसे ही ओशियन के सरफेस यानी पानी को छू रही हैं, वो हवाएं भी गर्म हो जा रही हैं, गर्म होके फिर वो ऊपर उठ रही हैं। अब जब वो ऊपर उठेंगे तो जैसा आप अब तक पढ़ते आए हैं, इस पूरे चैप्टर में आपने यही पढ़ा है कि वार्म एयर जो है ऊपर को राइज करती है और उसकी जगह लेने के लिए फिर ठंडी हवाएं साइड से आके बहती हैं और इसको कवर करती हैं, उस लो प्रेशर एरिया को, ठीक है। तो जब ये वार्म एयर ऊपर बहेगी तो ऑफकोर्स अब यहाँ का नीचे का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो प्रेशर रीजन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब इस लो प्रेशर रीजन को जो है वापस से सही करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो कोल्ड एयर है वो क्या होगी, वो दोनों साइड से बहते हुए आएगी अंदर की तरफ, ठीक है। और जब वो आएगी इसको फिलअप करने के लिए इस जगह को, तो क्या होगा, ये भी वार्म हो जाएगी और फिर ये भी ऊपर को उठ जाएगी। अब ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा, ठीक है। वार्म जो भी हवा बहते हुए आ रही है, ओशन के सरफेस को छू रही है, पानी को, गर्म पानी को छू रही है, ओशन पे जो के सरफेस पे जो बह रहा है, फिर वो गर्म होकर ऊपर उठ रही है, फिर साइड से ठंडी हवाएं आ रही हैं उस जगह को भरने के लिए, अब वो भी जैसे ही भरने के लिए आ रही हैं वो भी टच हो रही हैं ओशन के वाटर से, वो भी गर्म हो जा रही है, फिर वो भी ऊपर को उठ रही हैं। इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है और फाइनली ये जो ये गर्म हवाएं ऊपर को उठ रही हैं, राइज कर रही, वो अपने साथ में ओशियन से इवोपोरेट किया हुआ वाटर वेपर भी तो लेके जा रही है ना। अभी जो हवाएं आ रही हैं, ठीक है, अब ये जब ऊपर कूट रही हैं गर्म होकर के, तो जो ओशियन का वाटर है वो भी तो इवोपोरेट हो रहा है, इवोपोरेट होकर के उनके साथ में ऊपर को जा रहा है और वाटर वेपर के फॉर्म में। तो फाइनली क्या होता है, ऐसा करते करते ऊपर जो क्लाउड्स होते हैं ना,
बड़ा सा क्लाउड बन जाता है, ठीक है ये, और जो बीच का एरिया है वो ठंडी हवाओं का बना रहता है, इसे आई कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद, क्योंकि हमारी अर्थ भी रोटेट करती है, उसकी वजह से भी यहाँ पे इस आई के चारों ओर जो है क्लाउड्स जो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, मोटे होते हैं, काफ़ी इनमें वाटर वेपर होता है, तो ये सब क्या होता है, इसकी वजह से अब वो क्लाउड्स रोटेट करने लगते हैं, अभी आई के चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं, इस वजह से हमारा साइक्लोन बनता है, ठीक है। इस साइक्लोन के फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बच्चों, इसलिए फिलहाल आपको जितना बताया गया है इस बुक में वही मैं आपको बता रही हूँ, ओके। तो जैसा कि आपके बुक में बताया गया कि एक साइक्लोन कैसा होता है, एक साइक्लोन के बीचों बीच जो सेंटर होता है वो बहुत शांत एरिया होता है, उसे आई कहते हैं, यहाँ पे ठंडी हवाएं रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद इस आई के चारों तरफ जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में विंड जो है और क्लाउड्स जो है रोटेट करते रहते हैं, बहते रहते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, इस विंड्स की स्पीड जो है वो 150 से 250 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो आई की चारों तरफ जो बादल होते हैं और जो हवाएं बहती हैं, ये हवाओं का जो स्पीड है वो 150 से 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से होता है, और ये क्लाउड्स इतने बहुत थिक होते हैं और इसमें से बहुत ज़्यादा इनकी थिकनेस की वजह से, मतलब क्लाउड्स थिक है इसका मतलब उनके अंदर ज़्यादा वाटर वेपर है, वाटर स्टोर है, तो वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो आई का डायमीटर होता है ना, ये चौड़ाई, ठीक है, ऐसे वही 10 से 30 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे अब हम ये आई हो गई, इसके चारों तरफ जो है बहुत भयंकर डेंस क्लाउड्स हो गए, बहुत ज़्यादा भयंकर विंड्स हो गई, ठीक है, बहुत तेज़ी से बह रही हैं, फिर जैसे जैसे हम इस एरिया से बाहर आते जाएंगे ना, अब क्या होगा कि विंड की स्पीड भी धीरे धीरे घटती जाएगी, ठीक है, और क्लाउड्स की इंटेंसिटी भी धीरे धीरे घटती जाएगी, ठीक है। और आई में क्या होता है, आई में कोई भी क्लाउड्स नहीं होते हैं और बहुत ही हल्की ठंडी हवाएं चलती हैं, और गर्म हवा किधर चलती हैं, आई के बाहर साइड में, ठीक है। अब जो आई के बाहर, ठीक है, इस आई के बाहर जो रीजन है वो क्लाउड का रीजन होता है, जो कि करीब 150 किलोमीटर साइज का होता है, सोच लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे हम इस रीजन से बाहर को निकलेंगे, अब ऑफकोर्स इसके अंदर तो बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही, पर इसके बाहर जब हम आएंगे तो हवाओं की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल आपके बुक में सिंपल सा एक यही फिगर बना के समझाने की कोशिश की गई है कि ये साइक्लोन कैसे बनता है, ठीक है। तो जब भी क्लाउड्स बनते हैं उससे पहले क्या होता है, जो वाटर होता है वो हीट होता है, हीट होके वो एटमॉस्फेयर में इवापोरेट होता है वेपर के फॉर्म में, और जब ऊपर जाता है वो, तो वो वापस से लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है, एज अ रेन ड्रॉप। और जब एक वाटर वेपर लिक्विड में चेंज होता है तो वो लेटेंट हीट बाहर निकालता है, क्या निकालता है, लेटेंट हीट को बाहर निकालता है। इसी लेटेंट हीट की वजह से साइक्लोन्स के फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। अब ये जो लेटेंट हीट जो वाटर वेपर से, जो वाटर वेपर कूल होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उससे रिलीज हुई एटमॉस्फेयर में, वो लेटेंट हीट क्या करती है कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको वार्म करती है, गर्म करती है, ठीक है। और आपको पता है कि जब गर्म हवा गर्म होती है तो वो ऊपर को उठेगी, और जहाँ से वो ऊपर को उठती है उस जगह का प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। अब उस जगह के प्रेशर को फिलअप करने के लिए और ज़्यादा हवाएं दौड़ते हुए, रश करते हुए, बहते हुए तेज़ी से उस सेंटर में आती हैं, ताकि उस लो प्रेशर को मेंटेन कर सके, और इस तरह से एक स्टॉर्म का रूप बन जाता है। और ये साइकिल जब बार बार रिपीट होती है, पूरा एक चेन बनता है, इस तरह से बार बार रिपीट होती है, और इस साइकिल के चेन बनने की वजह से जो है क्या होता है कि जो हाई स्पीड विंड्स प्रोड्यूस होती हैं, जो रिवॉल्व करने लगती हैं इस लो प्रेशर सिस्टम के चारों तरफ, जो कि हम इस कह सकते हैं कि आई है, और फाइनली ये सब वेदर कंडीशंस और ये सब फेनोमेना मिल करके साइक्लोन को जन्म देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एक साइक्लोन को बनाने में विंड की स्पीड का, विंड की दिशा का, तापमान का, ह्यूमिडिटी का, इन सब का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे साइक्लोन है इससे क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो सकता है। साइक्लोन्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है, ये हमेशा नुकसान ही पहुँचाते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स बहती हैं वो क्या करती हैं, पानी को जो है अपने साथ इतनी तेज़ी से लाके किनारे पटकती हैं, ठीक है, और बहुत दूर तक पटकती हैं, और ये जो स्टॉर्म्स हैं वो 100 100 किलोमीटर दूर तक जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, तो भी जो है वो पानी को जो है पूरा उठा करके पटक देती किनारे तक, तो किनारे पर रहने वाले लोग जो है उनका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, ठीक है, ये जो पानी है उसको जब आगे को पुश करती हैं, तो ये आप समझिए पहला इंडिकेशन है कि साइक्लोन आने वाला है, ठीक है, वाटर वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है. अब इस विंड्स के कारण, इस स्ट्रॉन्ग विंड के बहने के कारण जो वाटर वेव्स, पानी में जो लहरें प्रोड्यूस होती हैं, वाटर वेव्स मतलब समुद्र में लहरें, ठीक है, वो प्रोड्यूस होती हैं, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि कोई भी आदमी इनको ओवरकम नहीं कर सकता. आदमी के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो तूफान में की आंधियों और तूफान की लहरों से लड़ ले, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम तिनके के बराबर हो जाता है. ओके, अब जो लो प्रेशर, जो आई में लो प्रेशर एरिया है, ठीक है, वो क्या करता है, वो सरफेस से वाटर को ऊपर को उठाता है सेंटर की तरफ, ठीक है. और ये जब वाटर ऊपर को उठता है, करीब करीब 3 से 12 मीटर ऊंचाई तक उठता है, ठीक है, इतना ऊंचा आई जो है वाटर को लिफ्ट करती है, ठीक है. तो ऐसा लगता है कि एक पानी की दीवार बन गई है जो हमारे किनारे की तरफ बह रही है, ठीक है. जैसा कि आप देख सकते हैं ना, वाटर यहाँ पे ऊंचाई से ये उठा है, तो जैसे लगता है कि पानी की दीवार बन गई है और ये सॉरी किनारे की तरफ जो है आ रही है, ठीक है. इस तरह से क्या होता है, जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, जब वहाँ पे ये वाटर वेव्स पहुँचती हैं, तो उससे क्या होता है, लाइफ का तो नुकसान होता है या प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, ठीक है. सॉइल पूरा इरोड हो जाता है वहाँ पे, सारा जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह जाती है वहाँ से, तो फर्टिलिटी भी घट जाती है, ठीक है. और अगर लगातार बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है उस जगह पे, तो फिर क्या होता है, सिचुएशन और बदतर हो जाती है, वहाँ पे फ्लड आने की नौबत आ जाती है, या फिर कह सकते हैं फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाता है, ठीक है. तो जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं, ठीक है, अगर साइक्लोन आया है और साइक्लोन के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, तो क्या होता है, घर टूट जाते हैं, ठीक है, छज्जे उड़ जाते हैं, टूट जाते हैं घर, टेलीफोन जो लाइंस होती हैं वो तार वार सब टूट जाता है, पोल वोल टूट जाता है, पेड़ वेड़ गिर जाते हैं, तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता है. तो आप कह सकते हैं कि साइक्लोन्स थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा तबाही करते हैं, चाहे वो लाइफ की हो चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, ठीक है. अब इस साइक्लोन को बच्चों कई नाम से जाना जाता है, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट आप दुनिया में कहीं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जाएंगे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट नाम से साइक्लोन को जाना जाएगा, ठीक है, आपको सुनने को मिलेगा. जैसे अगर आप अमेरिका में हैं या अमेरिकन किसी भी कॉन्टिनेंट में हैं, तो वहाँ पर साइक्लोन को हरिकेन कहते हैं. क्या कहते हैं? हरिकेन. तो अमेरिका में साइक्लोन को हरिकेन कहते हैं, लेकिन जापान और फिलीपींस में इसी साइक्लोन को टाइफून कहते हैं, ठीक है. तो आप समझ में आ गया कि टाइफून क्या है. अगर आपसे कहा जाए टाइफून, टाइफून मतलब साइक्लोन, हरिकेन, हरिकेन मतलब ये साइक्लोन, बस नाम अलग अलग है, ठीक है. जैसे हिंदी में हम आम कहते हैं, इंग्लिश में हम मैंगो कहते हैं, संस्कृत में शायद आम्र कहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट उसी चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ठीक है. तो साइक्लोन को अमेरिका में हरिकेन और फिलीपींस और जापान में टाइफून कहा जाता है, ठीक है. अब ये टॉर्नेडोज क्या होते हैं, ठीक है. टॉर्नेडोज हमारी कंट्री में जो है इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है, ठीक है. टॉर्नेडो क्या होता है बच्चों, की समझ जाओ कि एक कीप, डार्क फनल, ऐसे देखा, कीप ऐसे होती है ना, कीप, ठीक है, ऐसे करके है ना, कीप होती है, एक कीप शेप का होता है आपके, ठीक है, जिसे कहते हैं फनल शेप्ड का, ठीक है. और ये बहुत डार्क होता है, क्योंकि इसमें जो क्लाउड्स होते हैं ना, वो पूरे क्लाउड से भरा होता है, और ये इतना ऊंचा होता है, सॉरी क्लाउड्स होते हैं, और ये क्लाउड्स जो है ना स्काई से ग्राउंड तक रीच करते हैं. सोचो, जो ये टॉर्नेडो जब बनता है तो फनल शेप का बनता है, और क्लाउड्स जो है स्काई से पूरा ग्राउंड तक आकर के टच करते हैं, ठीक है. और जनरली टोर्नेडोज जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, और जो बहुत खतरनाक टोर्नेडोज होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि एकदम सिवियर टोर्नेडो आ गया है और जो बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है, वो टोर्नेडोज की जो स्पीड होती है वो करीब करीब 300 किलोमीटर पर आवर की होती है, ठीक है. टोर्नेडोज जो है साइक्लोन के अंदर भी बन सकते हैं. ओके, अब जो इंडिया है, इंडिया की जो कोस्ट, ये इंडिया है ना, ठीक है, इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है, क्योंकि यहीं पे पूरा आपके ओशियंस है, तो इंडिया के नीचे वाला हिस्सा जो है, जो कोस्ट लाइन है, समुद्री तट एरिया है, ठीक है, यहाँ पे साइक्लोन्स के आने का हमेशा जो है चांस बना रहता है, क्योंकि ये जो एरिया है पूरा वो ईस्ट, खास करके ईस्ट साइड का, ठीक है,
ये इस जहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, इस साइड का जो एरिया है स्पेशली साइक्लोन्स के लिए जो है, यहाँ पे अक्सर साइक्लोन्स आते रहते हैं। अक्सर ही आप देखेंगे बंगाल में तबाही साइक्लोन से होती रहती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वेस्ट कोस्ट के मुकाबले, जिस साइड में आपका मुंबई है उसके मुकाबले, जिस साइड में आपका बंगाल है, उस बे ऑफ बंगाल है, उस साइड पे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं और बहुत कई बार आते हैं, उनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि साइक्लोन्स कैसे बनते हैं और ये किस तरह का डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, थैंक यू।